शहर के चंदा रोड स्थित श्री वेंकटेश रंगजी मंदिर में शुक्रवार को गरुड़ एकादशी पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर महिलाओं ने एक साल के प्रतीक के रूप में 365 बत्तियां जलाकर परिवार की मंगल कामना की। मुख्य पुजारी दिनेश शर्मा के अनुसार हार्दिक बदी एकादशी गरुड़ एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इस मौके पर भगवान लक्ष्मी नारायण के वाहन गरुड़ की पूजा आराधना का विशेष महत्व प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस दिन भगवान गरुड़ की पूजा आराधना करते हुए यह प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, दीपोत्सव पर जब भगवान लक्ष्मी नारायण पृथ्वी भ्रमण पर निकले तो सर्वप्रथम हमारे भवन में पधारे। इसके अलावा प्रत्येक मनुष्य की अभिलाषा मोक्ष प्राप्ति की होती है, वह वैकुंठ लोक में ही संभव है। भगवान गरुड़ ही वैकुंठ लोक में मानव को अंत समय में ले जा सकते हैं। तीसरा महत्व यह है कि जो महिलाएं विभिन्न व्रत पर्व तथा एकादशी आदि में व्यस्तता के कारण पूजा अर्चना आराधना करने से वंचित रह जाती है, वे इस दिन वर्ष भर की 365 बत्तियों के रूप में भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान वे गरुड़ की पूजा आराधना कर उसका पुण्य प्राप्त करती है। शुक्रवार को गरुड़ एकादशी के मौके पर शहर के सिंधा रोड स्थित श्री वेंकटेश रंगजी मंदिर में विभिन्न रंगीन परिधानों में सजी धजी महिलाओं का हुजूम भगवान लक्ष्मी नारायण तथा गरुड़ की पूजा अर्चना हेतु उमड़ पड़ा।